वेलकम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक आइडेंटिटी इन एलए सेमी ग्रुप के ऊपर है। लेफ्ट आलमोस्ट सेमी ग्रुप और एबल ग्रासमैन ग्रुपाइड में आइडेंटिटी का क्या रोल होता है। इससे पहले लेक्चर में हमने एलए सेमी ग्रुप की डेफिनेशन, चंद एग्जांपल्स हमने डिस्कस की थी और फिर हमने मीडियल लॉ को प्रूव किया था। आज हम आइडेंटिटी के रोल के ऊपर बात करेंगे। अब स्टूडेंट, लेफ्ट आइडेंटिटी एल एस एम ई ग्रुप में एग्जिस्ट कर भी सकती है और नहीं भी एग्जिस्ट कर सकती। अगर किसी एल एस एम ई ग्रुप में लेफ्ट आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है तो हम उसके लिए नोटेशन यूज़ करेंगे एस, और ऊपर हम यहाँ पे ई लिख दिया करेंगे। इससे मुराद ये है कि एस इज़ एन एल एस एम ई ग्रुप विद लेफ्ट आइडेंटिटी ई। अगर एल एस एम ई ग्रुप में लेफ्ट आइडेंटिटी एग्जिस्ट करे तो उस वक्त एस स्क्वायर जो है ये एस के इक्वल होता है। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल भी डिस्कस कर देता हूँ। इस एग्जांपल को हमने पहले भी डिस्कस किया था। सपोज हमारे पास एस इक्वल टू ए बी सी, ये एक सेट है ए बी सी, ए बी सी। फर्स्ट रो में ए बी सी, फिर सी ए बी, बी सी ए। ये एग्जांपल है एल एस एम ई ग्रुप की। ये एक सिंपल एग्जांपल है, इसको आप आसानी से याद भी रख सकते हैं। ए बी सी, पहली रो में ए बी सी है। अब पहली रो सी के ऊपर टर्मिनेट हो रही है तो सेकंड रो जो है वो सी से ही स्टार्ट होगी। सी, सी के बाद फिर ए, फिर बी, सी ए बी। अब सेकंड रो बी के ऊपर टर्मिनेट हो रही है तो थर्ड बी से स्टार्ट होगी, बी फिर सी एंड देन ए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए जो है ये लेफ्ट आइडेंटिटी का काम यहाँ पे कर रही है। ए लेफ्ट आइडेंटिटी इसलिए है कि अगर मैं ए को ए से मल्टीप्लाई करता हूँ तो हमें ए मिल रहा है, ए इंटू ए ए। अगर ए को मैं बी से मल्टीप्लाई करूँ, ए इंटू बी, तो फिर वापस हमें बी ही मिल रहा है। और इसी तरीके से ए को अगर सी से मल्टीप्लाई करें, ए इंटू सी, दिस इज अगेन इक्वल टू सी। तो ए लेफ्ट हैंड साइड से जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो एलिमेंट के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, वापस वही एलिमेंट हमें मिल रहा है। मीन्स कि ए जो है ये यहाँ पे लेफ्ट आइडेंटिटी है। और इसी तरीके से आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि एस स्क्वायर, ये चूँकि हमारे पास एस स्क्वायर है तो एस स्क्वायर जो है ये वापस एस के इक्वल आ रहा है। मीन्स कि एस से बाहर कोई भी एलिमेंट आपको यहाँ से नज़र नहीं आएगा। तमाम एलिमेंट्स जो हैं अगर आप उनको इकट्ठा करें तो हमें वापस एस मिल जाएगा, ए बी एंड सी। तो अगर लेफ्ट आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है तो एस स्क्वायर इक्वल टू एस होगा। अब स्टूडेंट आते हैं राइट आइडेंटिटी के ऊपर कि क्या राइट आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करती है एल एस एम ई ग्रुप में। स्टूडेंट, राइट आइडेंटिटी अगर एल एस एम ई ग्रुप में एग्जिस्ट कर जाए तो फिर वो एल एस एम ई ग्रुप जो है वो सेमी ग्रुप बन जाता है। मीन्स कि वो कम्यूटेटिव सेमी ग्रुप बन जाएगा। तो राइट आइडेंटिटी जो है उससे हमें कम्यूटेटिविटी मिल जाती है, और कम्यूटेटिविटी से हम प्रूव करेंगे कि हमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर जाती है। तो इसको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। पहले हम ये प्रूव करते हैं कि ये जो लेफ्ट आइडेंटिटी है ये यूनिक होती है किसी भी एल एस एम ई ग्रुप में। तो इसका प्रूफ हम करते हैं। प्रूफ में हम ये ज़ूम करते हैं कि हमारे पास दो लेफ्ट आइडेंटिटीज़ हैं। हम ये सपोज करते हैं कि ई एंड एफ आर टू लेफ्ट आइडेंटिटीज़, लेफ्ट आइडेंटिटीज़। अब हमारा प्रूफ टारगेट ये है कि हम ये प्रूफ करें कि ई इक्वल टू एफ है। मीन कि ये दोनों आपस में बराबर हैं। असल में लेफ्ट आइडेंटिटी यूनिक होती है, उसको प्रूव करने के लिए हमें ई को इक्वल टू एफ प्रूव करना पड़ेगा। अब स्टूडेंट, ई भी लेफ्ट आइडेंटिटी है, एफ भी लेफ्ट आइडेंटिटी है, तो इससे मुराद ये है कि ई एन टू एक्स, ये भी एक्स रहेगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस। एंड ई एन टू एफ, चूँकि एफ भी लेफ्ट आइडेंटिटी है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एफ इन टू ई या एफ इन टू एक्स इज़ इक्वल टू एक्स
फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस। चूँकि एफ और ई दोनों लेफ्ट आइडेंटिटी हैं तो ये मैंने डेफिनेशन अप्लाई कर दी। अब स्टूडेंट मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ई इन टू एफ अगर हम लिखें, अगर ई लेफ्ट आइडेंटिटी है तो ई इन टू एफ जो है ये वापस एफ के इक्वल आएगा, ऐसे भी लिखा जा सकता है। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि ई इज़ लेफ्ट आइडेंटिटी, ई इज़ लेफ्ट आइडेंटिटी और एफ को हमने, एफ को भी लेफ्ट आइडेंटिटी लिया हुआ है, लेकिन एफ एक एलिमेंट भी तो है इसका। इसी तरीके से जब एफ लेफ्ट आइडेंटिटी होगी तो हम ऐसे लिख सकते हैं एफ इन टू ई दिस इज इक्वल टू ई। रीज़न क्या है कि एफ इज लेफ्ट आइडेंटिटी। तो यहाँ पे जस्ट हमने एक्स की जगह एफ और ई लिया है क्योंकि ई और एफ दोनों हमारे पास लेफ्ट आइडेंटिटी का काम करते हैं। तो यहाँ पे हम ये प्रूव करेंगे कि असल में एफ इक्वल टू ई है। तो एफ को मैं लिख सकता हूँ यहाँ से एफ इक्वल टू ई एफ है इस रिलेशन से, और यहाँ पे चूंकि ई भी आइडेंटिटी है तो ई को ऐसे लिखा जा सकता है ई इन टू ई, ई इन टू ई इन टू एफ। लेफ्ट इन्वर्टिव लॉ अप्लाई करें तो ये बन जाएगा एफ ई इन टू ई और एफ इन टू ई, ये हमारे सामने है ई के इक्वल है, दिस इज इक्वल टू ई और वापस साथ में ई अपनी जगह पे रहेगा और ये इक्वल टू ई आ गया। मीन्स कि हमने ये प्रूव कर लिया कि एफ इक्वल टू ई, और इससे मुराद ये है कि लेफ्ट आइडेंटिटी यूनिक होती है एबल ग्रासमैन ग्रुपाइड में। अब आते हैं राइट आइडेंटिटी के ऊपर। अब थ्योरम ऐसे है, एन एल ए सेमी ग्रुप हैज़ राइट आइडेंटिटी ई, देन ई इज़ आल्सो अ लेफ्ट आइडेंटिटी एंड हेंस इज द आइडेंटिटी। अगर एल ए सेमी ग्रुप में राइट आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है तो फिर वो लेफ्ट आइडेंटिटी भी बन जाती है, और अगर लेफ्ट और राइट दोनों हैं तो फिर वो आइडेंटिटी बन जाएगी। अब गिवन ये है कि ई हमारे पास राइट आइडेंटिटी है, ई इज़ राइट आइडेंटिटी, तो यहाँ पे हम डेफिनेशन अप्लाई कर देंगे राइट आइडेंटिटी की। इससे मुराद ये है कि ई इन टू एक्स, हाँ सॉरी, ई राइट साइड पे होगा, एक्स इन टू ई इज इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस। अगर ई राइट आइडेंटिटी है तो ये डेफिनेशन, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब हम ये प्रूव करते हैं कि अगर ई राइट आइडेंटिटी है तो फिर वो लेफ्ट आइडेंटिटी भी होगी। अगर मैं ई इन टू एक्स लिखूँ तो ई चूँकि आइडेंटिटी है तो इसको ई इन टू ई भी लिखा जा सकता है इन टू एक्स, और यहाँ पे इसको आप ऐसे लिख सकते हैं अगर लेफ्ट इन्वर्टिव लॉ अप्लाई करें तो ये बन जाएगा एक्स ई, एक्स ई इन टू ई। रीज़न क्या है कि हमने लेफ्ट इन्वर्टिव लॉ अप्लाई किया है और एक्स ई एक्स के इक्वल है और ये एक्स के इक्वल आ जाएगा और साथ में ई अपनी जगह पे, और अगेन एक्स ई हमारे पास एक्स के इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने ये प्रूव कर लिया कि ई इन टू एक्स इज इक्वल टू एक्स, क्योंकि एक्स आर्बिट्ररी एलिमेंट है तो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस ये रिलेशन ट्रू होगा, और इस रिलेशन से क्या मुराद है? इससे मुराद ये कि ई हमारे पास लेफ्ट आइडेंटिटी है। अब ई को हमने राइट आइडेंटिटी लिया था और लेफ्ट आइडेंटिटी प्रूव कर लिया, तो इससे मुराद ये है कि ई लेफ्ट आइडेंटिटी भी है और ई राइट आइडेंटिटी भी है, तो विच इम्प्लाइज ई इज आइडेंटिटी। मीन्स के एल ए सेमी ग्रुप में राइट आइडेंटिटी हमें आइडेंटिटी दे देती है, मीन्स के एल ए सेमी ग्रुप में राइट आइडेंटिटी से लेफ्ट आइडेंटिटी बनती है और लेफ्ट आइडेंटिटी और राइट आइडेंटिटी दोनों मिलके आइडेंटिटी बनाती है। अब आते हैं नेक्स्ट रिजल्ट के ऊपर। इसमें हम ये प्रूव करेंगे कि
किसी एलए सेमी ग्रुप में अगर राइट आइडेंटिटी हो तो फिर वो कम्यूटेटिव सेमी ग्रुप बन जाता है। अब राइट आइडेंटिटी के लिए अभी हमने ऊपर प्रूफ भी किया है कि राइट आइडेंटिटी हो तो उससे हमें आइडेंटिटी मिल जाती है, तो इसी का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे और ये प्रूव करेंगे कि एस अगर में अगर राइट आइडेंटिटी है तो फिर एस कम्यूटेटिव सेमी ग्रुप बन जाएगा। तो कम्यूटेटिव सेमी ग्रुप के लिए दो कंडीशन हम सेटिस्फाई कराएंगे, पहले तो ई हमारे पास राइट आइडेंटिटी है, तो अगर ई राइट आइडेंटिटी है तो फिर ई आइडेंटिटी भी होगी, अभी हमने प्रूव किया ई इज़ राइट आइडेंटिटी, ये हमें गिवन है, दिस इज़ अवर गिवन कंडीशन विच इम्प्लाइज ई इज़ आइडेंटिटी। राइट आइडेंटिटी हो तो फिर वो लेफ्ट भी बन जाती है और फिर आइडेंटिटी भी बन जाती है, अभी हमने इसको प्रूव किया है। आगे रीज़न क्या है जी, सेंस थ्योरम, अभी हमने इसको प्रूव किया है। अब हम ये प्रूव करेंगे कि एल ए सेमी ग्रुप में अगर राइट आइडेंटिटी आ जाए तो फिर वो कम्यूटेटिव सेमी ग्रुप बन जाता है। तो कम्यूटेटिव सेमी ग्रुप के लिए हम दो कंडीशन सेटिस्फाई कराएंगे, पहले तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ए बी इज इक्वल टू बी ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एस, और सेमी ग्रुप के लिए हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वेरीफाई करेंगे, मीन्स के ए बी एन टू सी इज इक्वल टू ए एन टू बी सी। तो ये दो लॉ हम वेरीफाई करेंगे, पहला है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो मैं ए बी से स्टार्ट लेता हूँ। अब स्टूडेंट ई चूँकि आइडेंटिटी है तो ए को मैं लिख सकता हूँ ई एन टू ए और ये बी अपनी जगह पे, रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि ई इज़ आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मीन्स बोथ लेफ्ट एंड राइट आइडेंटिटी। अगर हम यहाँ पे लेफ्ट इन्वर्टिव लॉ अप्लाई करें तो ये बन जाएगा बी ए एन टू ई, रीज़न क्या है, हमने लेफ्ट इन्वर्टिव लॉ का यूज़ किया यहाँ पे। अब चूंकि ई आइडेंटिटी है तो इसको मैं अगेन लिख सकता हूँ दिस इज इक्वल टू बी ए, रीज़न क्या है, ई इज़ आइडेंटिटी। विच इम्प्लाइज ए बी इज इक्वल टू बी ए, तो ये पहली कंडीशन हमने सेटिस्फाई करा ली है विच इज़ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब सेकेंड कंडीशन के ऊपर आते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के ऊपर, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ए बी एन टू सी, ए बी एन टू सी, अब हम इस कम्यूटेटिविटी का यूज़ करते हुए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है जब हमारे पास आइडेंटिटी हो, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे लेफ्ट इन्वर्टिव लॉ अप्लाई करें, यह बन जाएगा सी बी एन टू ए। अब चूंकि सी बी भी एक एलिमेंट है और ए बी एक एलिमेंट है एस का, तो यहाँ पे अगर हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को यूज़ करें जो अभी हमने वेरीफाई की है, तो ये बन जाएगा ए एन टू सी बी, रीज़न क्या है, सेंस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो अभी हमने प्रूव की है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब दोबारा से मैं इसके ऊपर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मीन कि जो सी बी है इसके ऊपर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करें तो ये बन जाएगा बी सी, और रीज़न सेम है, अगेन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो दो मरतबा हमने यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई की है, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो रिज़ल्ट है वो ऐसे है कि ए बी एन टू सी इज इक्वल टू ए एन टू बी सी, और ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। तो इससे मुराद ये है कि एस इज कम्यूटेटिव सेमी ग्रुप, कम्यूटेटिव सेमी ग्रुप। एक तो सेमी ग्रुप के लिए इसने कंडीशन मीन्स के एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हमने करा ली है और साथ में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी हमने वेरीफाई की। तो स्टूडेंट इस सारी डिस्कशन
का ख़ुलासा ये है कि एबल ग्रासमैन ग्रुपाइड में लेफ़्ट आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर सकती है। लेफ़्ट आइडेंटिटी अगर एग्जिस्ट करेगी तो उससे एस स्क्वायर जो है ये एस के इक्वल आएगा, पहले तो हमने ये प्रूव किया। लेकिन राइट आइडेंटिटी जो है, अगर राइट आइडेंटिटी हम ले आएँ एक्स इंटू ई इज़ इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस, अगर एल एस एम ग्रुप में राइट आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर जाए तो फिर राइट आइडेंटिटी से कम्यूटेटिविटी प्रूफ हो जाती है, और कम्यूटेटिविटी से अभी हमने देखा कि एसोसिएटिविटी प्रूफ हो जाती है, मीन कि फिर वो एल एस एम ग्रुप जो है वो एबल ग्रासमैन ग्रुपाइड नहीं रहता बल्कि वो सेमी ग्रुप बन जाता है। तो राइट आइडेंटिटी का यूज़ एल एस एम ग्रुप में नहीं किया जा सकता, क्योंकि उससे फिर वो एल एस एम ग्रुप नहीं रहता, वो सेमी ग्रुप बन जाता है। तो सेमी ग्रुप एक डिफरेंट एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है और एल एस एम ग्रुप डिफरेंट है, मीन्स कि एल एस एम ग्रुप सेमी ग्रुप से एक छोटा स्ट्रक्चर है जिसमें सिर्फ दो ही कंडीशन होती हैं, एक क्लियर प्रॉपर्टी और दूसरा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और बाकी वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट को विज़िट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर।